बहन समझ है भैया नारी के जाते पुराने में भैया बेटी है ना से डरी हो जाए अपना पर हाथ उठाने से उठती है काल नहीं उसका तो वही खाना है क्या गुल भूषण है नहीं कहीं अरे भैया अरे भैया अरे भैया पहले तो पहले और नहीं करा गया गई रे भैया इससे का पता है भैया पूरा से के साथ में गए भैया सब सब मर गए भैया तब वहां से भागत भागत अरे हाँ भैया हमारे माननीय बड़े भैया रामकृपाल दीवान जी की तरफ से यह है सुनप्रकार महाराज दशानंद के रोल पर खुश होकर के क्या रूप अर्पण करते हैं रामलाल मंडल के भाई साहब को बार बार बधाई हो बहन सुमंगल भैया ये क्या कह रहे हो भैया सही काटिए भैया और दूसरा तीसर ऑपरेशन के साथ गए और मर गए हाँ भैया अगर ऐसा हुआ वो कोई साधारण मानव नहीं है जब एक अकेली ताकत ने उन सब पीरों को मार दिया तो निश्चय ही स्थित हुआ कि नारायण ने उतार दिया अपना परिचय देने को दिखलाई भाई आयुक्त बच्चो पिछले से तारण मिला है पिछले जन्म से निश्चय ही वे अवतारी है निश्चय ही वह अवतारी है तो मैं पाव रखूंगा पिछले जन्म का बंधन उनके है द्वारा तोड़ूंगा उन बच्चों से अभी चुकाता हूं हे गौरव हाँ बहन सुपर्धे को उपचार के लिए महल में ले जाए जाए जैसी आपके आज्ञा हो महाराज जाओ भैया महाराज दशकंधर ने विचार किया कि जब मेरे समान खड़ा और दूसरा थे जब वो मारे गए तो ये न्याय सिद्ध हो गया कि भगवान का अवतार हो चुका है मैं कई जन्मों से भटका हूँ अब मुझे उनसे दुश्मनी करके इस जन्म से हमें मुक्ति चाहिए यह सोचकर दशानन अपनी बहन को नाना प्रकार से सांत्वना देता हुआ चल लेता फिर विचार करता है कि अब ऐसे नहीं होगा अब मुझे भगवान से छल कपट करना होगा यह युद्ध अब छल से होगा कोने घुसली है रे कहाँ कोने घुसरा है ए बेटा यार आ बुआ अरे एक लग गई रे जा कहो बैठा के हर चाहिए रे बेटा है रे बैठा हाँ बैठा अरे ऐसा हो गया मर गई ए बेटा ऐसा हो गया हाँ अब रे भूख लग गई रे भूख लग गई बा बाप बोकरी बोकरा धरे है हाँ चला धरे है बोकरी बोकरा नल्लू रखे है बोट को नल्लू हाँ चल पहले उहे जवाब हाँ चला उहे जवाब तो हार दाद कम हो जो है अरे दस मुकल गया हूँ जहाँ मारी जा Thank you.
वे काटे ना क्या कर वे कब सुई काटे ना क्या कर जिंदा रहे तुम्हारे में तो टूटा ताज उठाने ली यान का है सोचते उठाने ली अगर वह पुरुष निश्चय योगारी है तो त्रिलोक में मैं भी एक ज्ञाता स्वरूप दशावर हूं मैं भी उनके साथ